हेलो फ्रेंड्स, मैं एके पाठक अजय कुमार पाठक एजुकेशनल हब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास वन के ऑनलाइन एडमिशन शुरू होने वाले हैं 28 फरवरी 2022 से सुबह 10 बजे से, और उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। और आवेदन में करने के लिए दो उसके फेसेज हैं, पहला रजिस्ट्रेशन करना है और सेकंड फेज है जो एप्लीकेशन है, आवेदन फॉर्म भरना है और उसको सबमिट करना है। ये जानकारी मैं आपको ऑनलाइन देना चाह रहा हूँ, आप जानकारी प्रस्तुत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा तथा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। ये जानकारी प्रस्तुत है। सबसे पहले हम गूगल सर्च करेंगे, डेमो में तुरंत देना चाह रहा हूँ। गूगल सर्च करेंगे, गूगल में हम डालेंगे KVS ऑनलाइन एडमिशन। KVS ऑनलाइन एडमिशन, तो ये आपका लिखा हुआ आएगा KVS ऑनलाइन एडमिशन। ये आपको KVS ऑनलाइन एडमिशन KVS.gov.in, ये KVS की वेबसाइट है जो स्पेशली फॉर क्लास वन ऑनलाइन एडमिशन के लिए बनाई हुई है। और आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लिखा आएगा, दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग द एडमिशन टू स्टैंडर्ड वन इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के केंद्रीय विद्यालयों के लिए ये प्रवेश के लिए पोर्टल है जो 2022 और 23 के लिए है। ये 2022 और 23 में क्लास वन के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसके लिए प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए है। और ये दोनों फेसेस मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये आप देखिएगा। सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन का, आपको लैंग्वेजेस इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में तो हिंदी में आप उसको तैयार कर सकते हैं। मैं आपको सुविधा के लिए हिंदी में बता देना चाहता हूँ। आवेदन जमा करने के दो प्रमुख चरण है, ये उसके दो फेसेस दिए हुए हैं। और पहला, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, पोर्टल पर जो पोर्टल होगा उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। सफल पंजीकरण पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा और कृपया यूनिक लॉगिन कोड पर ध्यानपूर्वक लिख लें, मतलब ध्यानपूर्वक आप एक कागज पर लिख लीजिए। आपके मोबाइल पर लॉगिन कोड आएगा पहले रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और उसके बाद दूसरा चरण है आवेदन भरना और जमा करना। पंजीकरण के बाद लॉगिन कोड का उपयोग करके आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, और आप कम से कम 3 अलग अलग विद्यालयों में बिना प्राथमिकता दिए चयन, मतलब आवेदन कर सकते हैं 3 विद्यालय में। और आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन मीन्स आवेदन जमा करें और बटन पर क्लिक करके जमा करना होगा। और जब सफलता पूर्वक ये जमा हो जाएगा तब आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा जो कि लॉगिन कोड से अलग भिन्न होगा। आपको मूल दस्तावेजों की एक सूची दिखाई देगी, और ये दस्तावेजों की सूची आप तैयार करके रखिएगा। मैंने अपने अगले पिछले वीडियो में इसको बताया हुआ है कौन कौन से दस्तावेज रखने हैं, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। कृपया आप अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची ध्यानपूर्वक लिख लें। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आवेदन भरेंगे और सबमिट करेंगे तभी आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया और आवेदन नहीं भरा तो इनकम्प्लीट। केवल चरण एक को पूरा करने से आपका आवेदन केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास जमा नहीं होगा, बाकी और चीजें भी भरनी है।
जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिशन पोर्ट प्राप्त नहीं होता, तब तक आपका आवेदन सबमिट नहीं हुआ है और आप उसको मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन को वो जो आपने डिटेल्स भरे हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय भेजा जाएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर दिया है जब आप एप्लीकेशन भरेंगे उस पर भेजा जाएगा। आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसलिए आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, दीजिएगा। रिश्तेदारों का, दोस्तों का, एजेंटों का, साइबर कैफे वालों का या न किसी का मोबाइल नंबर ना दें, क्योंकि आपको जब आवेदन आप करेंगे तो उस समय आपको परेशानी हो सकती है। और पंजीकरण के समय दिए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए उसको ध्यान पूर्वक रख लीजिएगा। और आवेदन फॉर्म को भरने के लिए आपको सेव एप्लीकेशन का बटन प्रदान किया जाता है। ये दो चरण है, दो चरण बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह आप ध्यान रखिएगा। और ओटीपी नंबर जो आएगा, आप अपना मोबाइल नंबर जमा करेंगे सही सही, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अगली जानकारी अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप।